हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने ट्रस्ट वैलेट से किसी को BNB किस प्रकार से भेज सकते हैं दूसरे ट्रस्ट वैलेट में। तो दोस्तों, यह देखिए आपको दिख रहा होगा हमारे फ़ोन पर ट्रस्ट वैलेट। हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए हमारे में सबसे ऊपर ही आपको BNB दिख रही होंगी। ये देखिए $5 की BNB है हमारे पास। हम इनमें से $4 की BNB किसी दूसरे व्यक्ति को भेज कर दिखाएंगे QR कोड से। तो दोस्तों, यह देखिए हम बैक आ जाते हैं। अब हम व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए किसी व्यक्ति ने जिसको हमसे BNB लेनी थी, उस व्यक्ति ने हमें ऑनलाइन ₹400 का पेमेंट कर दिया है। ये देखिए हम WhatsApp ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हम WhatsApp पर उसका स्क्रीनशॉट शो कराते हैं आपको। यह देखिए हम उस बंदे के WhatsApp के अकाउंट पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें ₹400 का पेमेंट Paytm से कर दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, और उसने अपने ट्रस्ट वैलेट का जो रिसीव एड्रेस है QR कोड वह हमें भेज दिया है। हम इस QR कोड की मदद से इस बंदे के ट्रस्ट वैलेट में लाइव BNB भेज कर दिखाएंगे अपने ट्रस्ट वैलेट से। तो यह देखिए हमने अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन कर लिया है। अब आपको सबसे ऊपर BNB दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करना है। आपको दिख रहा होगा सेंड वाला ऑप्शन, यह देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यह देखिए हमने सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब आपको सबसे ऊपर एड्रेस और नामिंग सर्विस आ रहा होगा, उस यहाँ पर क्लिक करना है। तो यह देखिए आपके सामने QR कोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में जो फ़ोटो हैं रिसेंट, जो कि जल्दी के फ़ोटो हैं, जो भी आए होंगे आपके WhatsApp से या किसी भी मेथड से, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यह देखिए QR कोड हमें सबसे पहले दिख रहा है, तो हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे QR कोड को स्कैन कर लेगा और जो इसका रिसीव एड्रेस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दोस्तों, यह देखिए आपको रिसीव एड्रेस दिख रहा होगा। अब आपको नीचे दिख रहा होगा अमाउंट BNB। यहाँ पे आप BNB का अमाउंट भर सकते हैं। आप जितने भी डॉलर की BNB भेजना चाहते हैं या जितने भी BNB भेजना चाहते हैं जो आपके वैलेट में है वह भर सकते हैं। यह देखिए हमारे वैलेट में 5 BNB थी, तो हम 4 BNB भेजेंगे। तो यह देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे 4 BNB कितनी बैठेंगी। दोस्तों, यह देखिए हम यहाँ से डिजिट चेंज करते रहते हैं, जब तक हमारी 4 BNB नहीं हो जाती 4 कुछ, तब तक हम यहाँ से देख लेंगे। जब हो जाएंगी तो हम अपनी BNB उस बंदे को सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, हम जल्दी जल्दी अपनी जो जितनी भी BNB होती है हमारी, यह देखिए 0.01127 यह हमारी BNB होती है $4.03 की। यह देखिए हम राइट क्लिक कर देते हैं। अब आपको ऊपर कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यह देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यह देखिए आपको ट्रांसफ़र की डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, जो कि जो भी आपकी नेटवर्क फीस वगैरह वगैरह होगा वह सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। यह देखिए हमारी टोटल $4.06 की टोटल डॉलर कटेंगे हमारे इसमें से, नेट जो BNB है, और यहाँ से हमें कन्फर्म करना है। तो देखिए हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं, तो यह उस बंदे के पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, ये देखिए अभी प्रोसेसिंग में, यहाँ पर टाइमर छपा हुआ आ रहा है ट्रांसफ़र पर। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर राइट क्लिक आ जाएगा और एरो का निशान आ जाएगा। यह देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यह देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा स्टेटस कंप्लीट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार से एक ट्रस्ट वैलेट से दूसरे ट्रस्ट वैलेट में इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को BNB या कोई भी और करेंसी आसानी से भेज सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।